नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए अब हम देखने जा रहे हैं अगली पेंटिंग, दैट इज कृष्णा और स्विंग। ये भी राजस्थानी पेंटिंग से लिया गया है, तो चलिए देखते हैं क्या है इस पेंटिंग में। सबसे पहले इस पेंटिंग का नाम क्या था? कृष्णा और स्विंग। पेंटर कौन थे? नूरुद्दीन। ठीक है, मीडियम क्या था इसका? सेम वाटर कलर ऑन पेपर। इन चीजों को बहुत ही अच्छे से आप याद करके रख लें। सिरका कब, यानी कि कब लिया गया था? दैट इज 1683 AD। ओके, सब स्कूल बीकानेर। टेक्निक इसमें था टेम्परा और कलेक्शन। सेम कहां पे है ये? तो न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में। ओके, अब देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। तो कह रहा है कि ये जो पेंटिंग थी बेसिकली दो पैनल में बनाए गए थे, एक लेफ्ट साइड और एक आपके राइट साइड में। ठीक है, यानी कि एक लेफ्ट साइड के अपर पैनल और एक आपके राइट साइड में, और ठीक जो दूसरी थी दैट इज द लोअर पैनल। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं पहले आपके लेफ्ट साइड ऑफ अपर पैनल क्या था। तो ये था बेसिकली आपका लेफ्ट साइड का, देखिए यहाँ पे आपके लेफ्ट यानी कि अपर पैनल, और एक जो पेंटिंग आएगी दैट इज द आपका लोअर पैनल आएगा लेफ्ट और राइट में। तो अभी हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं आपकी अपर पैनल। इसमें कह रहा है कि कृष्णा हैज बीन सोन सिटिंग ऑन अ ऑर्नामेंटल बेस ऑफ हेक्सागोनल स्विंग। देखे हेक्सागोनल स्विंग यानी कि जिसमें क्या होंगी, हेक्सा यानी कि छह। ठीक है, तो उसमें छह स्विंग बंधी होगी जिसमें ये क्या दिखाया गया, आपके कृष्णा बैठे हुए हैं आपके लेफ्ट साइड में। ओके, उसके बाद साथ ही ये कह रहे हैं कि हिज अपर हाफ ब्लू कलर बॉडी इज ऑलमोस्ट नेक्ड बट फ्यू ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ पेटल्स एंड ज्वेल्स। कह रहे हैं कि जो इसकी बॉडी है बिल्कुल कैसी दिखाई गई, ब्लू, और इन्होंने कुछ ज्वेलर्स पहन रखे हैं जो कि येलोइश कलर के हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो धोती है दैट इज कैसा कलर है इसका, ये लगभग येल्लो कलर का है, सॉरी येल्लो एंड ऑरेंज कलर का है। ओके, उसके बाद ये कहा गया है कि इनके नेक में एक क्या है, ज्वेलरी है, देखिए जो कि व्हाइट कलर की है दिखाई गई है इसमें, एक नेक में इनकी ज्वेलरी जो कि व्हाइट कलर की है। ठीक है, साथ ही ये भी कह रहा है कि एन ऑर्नामेंट क्राउन इज ऑल्सो बीन सोन ऑन हिज हेड। एक ऑर्नामेंट यानी कि जो क्राउन है इनके हेड पे है। ओके, राउंड द वेस्ट ही हैज ऑन एन ऑरेंज कलर पेंटेड कलर धोती। बिल्कुल ऑरेंज कलर की एक धोती है इनके नेक के अराउंड। ठीक है, कृष्णा इन इनिशियली लुकिंग टुवर्ड्स राधा। अब कह रहे कि जो कृष्णा है अपनी दूसरी तरफ, यानी कि ये किसको देख रहे हैं बेसिकली, आप देखेंगे तो ये कृष्णा देख रहे हैं अपनी राधा जी को जो कि इनकी बिल्कुल राइट साइड में है। ठीक है, तो राधा हैज वॉर्न ट्रेडिशनल घाघरा। देखिए राधा ने क्या पहन रखा है, घाघरा जो कि काफी ज्यादा क्या थी उस टाइम, प्रचलन में थी, काफी ज्यादा ट्रेडिशनल थी, एंड चोली, घाघरा चोली। ओके, सी हैड कवर्ड हर हेड विद अ ट्रांसपेरेंट चुनरी। इन्होंने जो अपनी कवर कर रखी हेड को किससे, एक ट्रांसपेरेंट चुनरी से। ओके, एंड सी सीटिंग ऑन अ रेड कार्पेट, जिसपे बैठी है वो कार्पेट कैसा है, रेड कलर का है, और ये देख रही है अपने कृष्ण जी को। टू ईज द बॉडीज ऑफ बोथ राधा एंड कृष्णा इज द बैक साइड और पुट अराउंड पिलोस मस्टर्ड। इनके जो पीछे यानी कि ईज, यानी कि इनको एक सहारा मिले, दैट्स वाई राधा और कृष्ण दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है बेसिकली, देखे तो पिलोज, जिसे हम बोलते थे मुस्नद। ओके, चले आगे, आया समझ। अगली कह रहा है कि कृष्णा के बाद और कृष्णा और राधा के बाद जो आपका लोअर पैनल था, तो लोअर पैनल ऑफ द पेंटिंग राधा एंड कृष्णा हैव बीन सोन सिटिंग सेपरेटली ऑन रेड कार्पेट। कह रहा है कि जो लोअर पेंटिंग है उसमें यह दिखाया गया कि राधा और कृष्ण दोनों बिल्कुल अलग अलग बैठे हुए हैं रेड कार्पेट पे। ओके, ठीक है, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है साथ ही कि देयर ड्रेसेज आर सिमिलर टू दोज इन अपर पैनल, यानी कि इसका जो ड्रेस है बेसिकली जैसे अपर पैनल में था वैसे ही क्या है, लगभग सिमिलर है, बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके, आगे ये भी कह रहा है कि इसका जो पैनल है ऑफ कृष्णा धोती हैज बीन सोन येलो। यहाँ पे ऊपर जो देखे, ठीक है, धोती तो पहने थे बट ऑरेंज कलर थी, यहाँ पे जो धोती है बेसिकली कौन सी कलर की है, येलो कलर की है। ओके, टू ईज देयर बॉडीज राउंड पिलोज, इनके में भी क्या है, पिलो है, ताकि इनके बॉडी को एक सहारा मिले। इन दिस पैनल राधा अटेंडेंट हैज बीन सोन स्टैंडिंग बिसाइड कृष्णा। यहाँ पे ये दिखाया गया कि राधा जो है बेसिकली कृष्णा के अपोजिट साइड में खड़ी है। पॉसिबली सी हैज कम टू कृष्णा टेकिंग द मैसेज ऑफ राधा। कह रहे कि वो जो है बेसिकली राधा की जो अटेंडेंट है, यानी कि जो उनकी एक तरह से आप कह लो कि इन्होंने अपने पीछे एक रख रखा है अपने काम के लिए, वो कृष्णा के पास जाती है इनकी कुछ ना कुछ खबर लेकर, मैसेजेस लेकर। सी हैज ऑन अ लाइट वायलेट एंड येल्लो स्ट्रिप्ट। इन्होंने जो पहन रखा है, क्या पहन रखा है, लाइट वायलेट येल्लो स्ट्रिप्ट घाघरा एंड अ मैचिंग चोली, यानी कि इस पे मैचिंग करती हुई एक चोली पहन रखा है। कौन, जो राधा की मैसेज लेकर कृष्णा के पास जाती है। ठीक है, इसके बाद इनके बैकग्राउंड में देखे, माउंट मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ ग्रीन येलो कलर हैज बीन सोन। इनके बैकग्राउंड में क्या है, एक माउंट है जो कि क्या है, ग्रीन येलो इस कलर है, ये जो देखे आप पीछे इनके। ओके,
साथ ही ये भी कह रहा है कि क्लम्स ऑफ ट्रीज एंड देयर लीव्स वंडरफुल पेंटिंग है ऑल्सो सोन. इनके पीछे देखे तो ये है पेंटिंग दिखाई गई, ट्रीज है, इनके लीव्स काफी अच्छे अच्छे हैं. ओके साथ ही ये कह रहा है कि इन दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट हैज ऑल्सो पेंटेड द आर्किटेक्चर वेरी ब्यूटीफुली. जो इनके आर्किटेक्चर थे यानी कि इनका जो बनावट था देखे यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा अच्छा है. ओके आगे कह रहा है कि लीव्स विथ वंडरफुल इन दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट हैज ऑल्सो पेंटेड आर्किटेक्चर वेरी ब्यूटीफुली. प्लासिड एंड ब्राइट कलरिंग इज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ बीकानेर स्टाइल. कला की प्लासिड और ब्राइट कलरिंग, इसकी जो कलर ब्राइट है ठीक है, इस पर जो प्लासिड लगाई गई है ये बीकानेर पेंटिंग की सबसे खास बात थी. बीकानेर पेंटिंग की खास बात क्या थी? प्लासिड एंड ब्राइट कलरिंग ठीक है फीचर. ओके तो ये थे आपका कौन सा पेंटिंग? कृष्णा और स्विंग की पेंटिंग. अब अगले वीडियो में मिलेंगे अपने अगले पेंटिंग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.